इधर छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश ने किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। धान बेचने का इंतजार करने वाले किसानों पर तो इसका असर हुआ ही है, लेकिन दलहन तिलहन और सब्जी के उत्पादक किसान भी इससे प्रभावित हैं। अब इनकी मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए बारिश उसके ऊपर को बढ़ाने वाली होती है, लेकिन बेमौसम बारिश उसके लिए आफत की बारिश बनकर आती है। पिछले तीन दिन से छत्तीसगढ़ में हुई इस आफत की बारिश ने उथल पुथल मचा दी है। फल और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, धान की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के डेढ़ दर्जन से ज्यादा जिलों में असर डाला है, जिससे काफी लोग प्रभावित हुए। ऐसे में किसानों को तुरंत मुआवजा मिले, इस मांग को विपक्ष ने जोर शोर से उठा दिया है। इसके पहले भी दो बार इस तरह की हुई बारिश का अब तक आकलन नहीं कर पाने का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। आज का जो समय है वो आईटी का युग है, फॉरकास्टिंग का युग है। सरकार को 7-7 दिन पहले, 15-15 दिन पहले ये मालूम पड़ जाता है कि आने वाले समय पर मौसम की स्थिति क्या होगी। उसके बाद भी प्रिकॉशंस नहीं लेना, उसके बाद भी जनता के धन का अपव्यय करना, उसके बाद भी धान का सड़ जाना, उसके बाद भी फसलों का सड़ जाना, उसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं देना, तो ये सरकार ने सोच लिया कि 2500 रुपए देकर हमने किसानों को खरीद दिया है। इधर पूरे एक महीने में दो बार इस तरीके के हालात बने हैं, जिससे कि किसानों की फसल बर्बाद होने की जानकारी कई जिलों से आई है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार ने सभी कलेक्टरों को नुकसान का आकलन के निर्देश दिए हैं और इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजे का सर्वे जल्द पूरा करने को कहा है। इन फसलों के नुकसान के बारे में सारे कलेक्टरों को निर्देश दिया जा चुका है। फील्ड अमला जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनके साथ राजस्व के पूरे अमले के साथ जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि पूरा आकलन तत्काल कराया जाए। आरबीसी के तहत किसानों को तत्काल राशि का आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हमने कहा है कि इंश्योरेंस का जो पैसा है उसके लिए भी इसको सर्वे करके तत्काल कंपनियों को भेजें और किसानों को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलना चाहिए। आमतौर पर यह सीजन छत्तीसगढ़ में दलहन तिलहन फल और सब्जियों की खेती का होता है, वहीं धान खरीदी इन दिनों चरम पर होती है। ऐसे में किसानों के लिए यह बेमौसम बारिश आफत बनकर आई है। हालांकि सरकार स्थितियों से निपटने का दावा कर रही है, लेकिन बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने सरकार और किसान दोनों को परेशान कर दिया है और अब मुआवजा जल्द मिले इसकी मांग ने जोर पकड़ लिया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।